नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे फिल्म ब्रह्मास्त्र अपने सत्रह दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन करने जा रही है और सत्रह दिन के लिए इस फिल्म को कितनी एडवांस बुकिंग प्राप्त हुई है। इसके अलावा सोलह दिन फिल्म का कितना कलेक्शन आया है और इस प्रकार फिल्म ब्रह्मास्त्र का सत्रह दिनों का कुल नेट कलेक्शन कितना हो जाएगा और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कितना हो जाएगा, इन सभी के बारे में आज का वीडियो है। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि 16th डे को ब्रह्मास्त्र का कलेक्शन आया है करीब 5.78 करोड़ रुपीज सभी भाषाओं को मिलाकर के। और दोस्तों इसका डे 15 का कलेक्शन 10.79 करोड़ रुपीज का था, तो डे जो 16 है वहां पे कलेक्शन में काफी बड़ा ड्रॉप है, 46% का ड्रॉप है, 46% कलेक्शन में ड्रॉप देखा गया है। और दोस्तों इसमें से भी आपको बता दूं कि ज्यादातर कलेक्शन हिंदी वर्जन से आया, 5.70 करोड़ रुपए का कलेक्शन हिंदी वर्जन से आया और मात्र 8 लाख रुपए का कलेक्शन साउथ से आया, मतलब कि तमिल वर्जन और तेलुगु वर्जन को मिला करके। और दोस्तों अगर आज की बात करें, आज 17 दिन की बात करें, तो 17 दिन ब्रह्मास्त्र फिल्म ने करीब 2.58 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग प्राप्त कर ली है, जो ठीक कही जा सकती है। 1,10,331 इसके आज के लिए टिकट सेल आउट हो चुके हैं। और दोस्तों ये जो 2.58 करोड़ की एडवांस बुकिंग है, इसमें से हिंदी वर्जन की 2.45 करोड़ रुपीज की है और इसमें से भी दोस्तों आपको बता दूं कि 3D का 1.81 करोड़ रुपीज की एडवांस बुकिंग है, 2D की 51 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग है और IMAX वर्जन की 17 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग प्राप्त हुई है। तेलुगु वर्जन से 5.5 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग फिल्म को आज के लिए है और तमिल वर्जन से 2.60 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग आज से प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से जो ग्रॉस विदाउट ब्लॉक सीट एडवांस बुकिंग आज है वो है 2.58 करोड़ रुपीज की। तो दोस्तों अगर इस एडवांस बुकिंग को आधार बना करके आज के कलेक्शन का प्रिडिक्शन किया जाए तो ब्रह्मास्त्र आज करीब 5 से 6 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, 6.5 तक भी जा सकता है और 5.5 तक भी रह सकता है। तो इस प्रकार का कलेक्शन ब्रह्मास्त्र आज संडे को करने वाली है और फिर कल मंडे को तो काफी बड़ा ड्रॉप इस फिल्म के कलेक्शन में होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि चुप रिलीज हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों विक्रम वेदा और PS1 आ रही है 30 तारीख को, तो 30 तारीख तक का टाइम है ब्रह्मास्त्र के पास, 30 तारीख तक जितना कलेक्शन कर सकती है उतना कर ले, उसके बाद में ज्यादा संभावना ब्रह्मास्त्र के पास बचेगी नहीं क्योंकि शोज भी नहीं बचेंगे और स्क्रीन भी नहीं बचेंगे। विक्रम वेदा और PS1 बहुत बड़ी रिलीजेज है तो काफी ज्यादा शोज वो लेके जाएगी। इसके अलावा चुप फिल्म भी ठीक ठाक कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर कर रही है तो उसके बाद में ब्रह्मास्त्र के कलेक्शन में बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को आपको नेक्स्ट मंडे से मिलने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार ब्रह्मास्त्र फिल्म का 17 दिनों का जो इंडिया नेट कलेक्शन है वो 250 करोड़ रुपए को पार कर जाएगा और 253.21 करोड़, आप ये मान लीजिए कि लगभग 253 करोड़ रुपीज के आसपास इसका नेट कलेक्शन हो जाएगा, जिसे अच्छा कहा जा सकता है। इसके बावजूद कि अभी तक फिल्म ने अपना बजट कवर नहीं किया, इसके बावजूद फिल्म का प्रदर्शन सराहनीय है, अच्छा है, तारीफ काबिल है, ये मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा। दोस्तों जहां तक इसके इंडिया ग्रॉस कलेक्शन की बात करें 17 दिनों का, तो ये लगभग 300 करोड़ रुपए हो गया है। जी हाँ दोस्तों, 300 करोड़ से 1-2 करोड़ ज्यादा हो सकता है या कुछ कम रह सकता है, लेकिन 300 करोड़ के आसपास इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो गया है। अगर इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो जो रिपोर्ट्स आ रही है, ट्रेड्स की रिपोर्ट्स आ रही है, प्रोड्यूसर ने अभी तक जारी नहीं किया फिगर, शायद वो 400 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हो जाएगा तभी जारी करेंगे, शायद कल या परसों तक जारी कर देंगे, लेकिन अभी तक करीब 392-395 के बिटवीन इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हुआ है। और अगर बात करें वर्ल्ड वाइड नेट कलेक्शन की तो ये करीब 325 करोड़ रुपीज के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड नेट कलेक्शन हो गया है। तो दोस्तों ब्रह्मास्त्र फिल्म के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, फिल्म का बजट 410 करोड़ रुपीज है, लेकिन कई लोगों ने कहा कि नहीं इतना नहीं है, कुछ जो असेट्स बनाए गए, जो VFX यूज किए गए, विजुअल्स यूज किए गए, वो पैसे सेकंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में भी काम में आ जाएंगे जो असेट्स तैयार किए वो। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि 50-60 करोड़ रुपए कम कर दो बजट, तो 50-60 करोड़ कम कर देते हैं तो फिर भी 350 करोड़ मान लो आप बजट, तो 350 करोड़ भी मानते हैं तो उससे भी नेट कलेक्शन के आधार पर अभी फिल्म कम से कम 25-26 करोड़ रुपए दूर है वर्ल्ड वाइड नेट कलेक्शन से, इंडियन नेट कलेक्शन से तो बहुत दूर है, इंडियन नेट कलेक्शन तो अभी 255 करोड़ भी नहीं हुआ है। तो इस कलेक्शन को पार कर लेगी फिल्म नेट कलेक्शन के आधार पे तो भी फिल्म को हिट कहा जा सकता है। अभी तक जो भी ये कह रहे हैं कि फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई है, स्मैश हिट हो गई है, बड़ी हिट हो गई है, वो सारी बातें गलत है। न अभी फिल्म फ्लॉप हुई है, न अभी फिल्म हिट हुई है, जब तक फिल्म ये आंकड़ा पार नहीं कर लेती, कम से कम 350 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर लेती है, तब तक डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रॉफिट में नहीं आएंगे और डिस्ट्रीब्यूटर्स जब तक प्रॉफिट में नहीं आते तब तक फिल्म का वर्डिक्ट तय नहीं होता है। तो इसलिए अभी इंतजार कीजिए, क्या होता है, क्या अभी तक इस फिल्म को आप बिलो एवरेज या एवरेज मूवी कह सकते हैं मेरे हिसाब से अभी तक, क्योंकि इतना अच्छा कलेक्शन किया है तो फिल्म को फ्लॉप तो कहना उचित नहीं होगा, लेकिन बिलो एवरेज आप इस फिल्म को अभी तक कह सकते हैं। अब देखते हैं अगर ये इस आंकड़े को पार कर जाते हैं
जिसकी संभावना अभी कम नजर आ रही है क्योंकि अब कलेक्शन में ड्रॉप होने वाला है, बहुत जबरदस्त ड्रॉप होने वाला है। तो देखते हैं फिल्म का क्या हाल होता है और क्या वर्डिक्ट आता है। फिलहाल तो कई लोग इसको ब्लॉकबस्टर बता चुके हैं, कई सुपरहिट बता चुके हैं, कई हिट बता चुके हैं और कई लोग फ्लॉप और डिजास्टर भी बता चुके हैं। लेकिन मैं तो यहाँ पे एकदम एक्यूरेट रिपोर्ट दूंगा और जो रूल्स बनाए गए हैं कि किस प्रकार से फिल्म को हिट घोषित करना है उसी रूल्स के हिसाब से चलूंगा और उसी के हिसाब से आपको बताऊंगा। बाकी आप अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र है। आपके हिसाब से अगर फिल्म हिट है तो हिट ही है, आपके हिसाब से फिल्म सुपरहिट हो चुकी है तो हो चुकी है, और जो ये कहते हैं कि फिल्म फ्लॉप है डिजास्टर है तो उनके हिसाब से उनका कहना भी सही है। क्या कह सकते हैं, सबकी अपनी अपनी राय होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। टेक केयर।